के श्लोक पर कुछ बोलने से पहले, वैसे यहाँ जो वर्णन हो रहा है इस अध्याय में, नारद मुनि मेरी हिंदी इतनी अच्छी, बाद में बता देना मुझे कुछ कैसे। तो यहाँ पर ऐसे वर्णन आ रहा है कि नारद मुनि जो है भगवान का गृहस्थ जीवन देखने जा रहे हैं। वैसे कुछ दिनों से चर्चा तो हो ही रही बात है ना, प्रभु जी भी अन्य सारे भक्त बता चुके हैं कि कैसे किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी को ऐसे गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देखना इतना अच्छा नहीं माना जाता है, इतना नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, जाके प्रवचन करना अलग अलग बात है, कीर्तन करना, लेकिन वहां जाके क्या चल रहा है घर में, गैस कितने समय में आता है, क्या होता है घर में, सब ठीक ठाक है कि नहीं, है ना, शादी ब्याह हो रहा है कि नहीं, इस तरह की उनका आपको क्या कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि गए वहां पर, उद्देश्य वही लेकिन लक्ष्य अलग है, मतलब देखने के लिए गए लेकिन भगवान की दिनचर्या को, भगवान की गृहस्थी, जो भगवान की गृहस्थी उनको समझता है, उसमें आनंद लेता है, तो उसको अलग से गृहस्थी उनमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लाभ है ना। जैसे हनुमान जी भी सीता की खोज में गए थे, एक ब्रह्मचारी को एक स्त्री की तलाश में भेजना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती वैसे, है ना, किसी ब्रह्म, ऐसे एक बात हुई थी ऐसे एक सेमिनार में, और हमको अलग अलग से टास्क दिया जा रहा था, आपको ये करना है करना, और कहा गया कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है आ गए एकदम से, और कहा कि आप अगर मंदिर के कोई अधिकारी हो, जो कुछ है, आप कहा गया कि तो जी ऐसे ऐसे वो एक यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई ऐसी लड़की है, उसका नाम बताया उन्होंने कि उसको बहुत ज़रूरी है, उसको घर से बुलावा आया है तो बहुत ज़रूरी है, आप अगर उनको अगर बताते तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर उनके लिए बहुत बड़े परीक्षा की बात होती है। हाँ, तो पूछा गया कि उस समय अगर आप अगर ब्रह्मचारी तो आप कहा गए तो आप क्या करेंगे वहाँ, उनके पास जाके देंगे? तो फिर आंसर में सभी अलग अलग बता रहे थे, कोई कह रहे हाँ उसमें क्या है बताएंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, एक तो वहाँ कोई ज़्यादा उम्र से बड़ी माता जी है तो उनको जाके मिलेंगे ऐसे ऐसे, मैं तो बता नहीं सकता, आप देखिए पता है तो फिर ऐसे तरीका अलग रहा। तो यहाँ तो हनुमान जी के लिए तो उधर लंका में जाके वहाँ ये करना था, मुश्किल था वो काम, फिर भी हनुमान जी ऐसे लगा भी बीच में उनको, कब महसूस हुआ उनको, जब सीता की खोज में सारी मतलब जो वहाँ स्त्रियाँ सोई थी ऐसे रावण के इसमें, तो देख रहे थे उनको ना यहाँ सीता, ये तो सीता नहीं, ये तो सीता नहीं, और बीच में मन में है तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो स्त्रियों को ऐसे देखना, और स्त्रियाँ भी ऐसे पूर्ण अच्छे वस्त्र में भी नहीं थी वो, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्त्री में सीता को देख रहा हूँ, सीता के उद्देश्य से जा रहा हूँ, तो फिर वो कोई गलत नहीं। और श्री राम भगवान कैसे भावग्राही जनार्दन, मेरा भाव तो समझते हो, इसलिए फिर उनकी तलाश जारी रही और सीता जी को मिलके भी वापस आ गए वो बताने के लिए। यहाँ पर नारद भी नहीं गए, वैसे हर एक महल में जाने वाले हैं, हर एक महल में जाकर हर एक स्थान में वहाँ के रानी को भी, रानी का भी दर्शन होने वाला है, वहाँ जो अलग अलग स्त्रियाँ होती उनकी सखियाँ हैं उनका भी सब मिलना जुलना तो देखना, दर्शन तो होगा ही, लेकिन लक्ष्य क्या है उनका, बस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। वैसे देखा जाए तो जो भौतिक जगत में महामाया कार्य करती है और आध्यात्मिक जगत में योग माया काम करती है, दोनों कार्य बहुत अलग अलग है। वैसे दोनों का एक कॉमन काम है, कौन सा है पता है, भ्रम उत्पन्न करना, वो कैसे, हाँ है, लेकिन जो महामाया का कार्य भ्रम, कौन सा भ्रम है, वो भौतिक भ्रम उत्पन्न करना, एक तो ना आवरणात्मिका और दूसरी क्या है प्रक्षेपात्मिका, दो काम है इसके। आवरणात्मिका लोग कवर कर देगी, आवरण डाल देगी जीवात्मा पर, भूल जाएगा मैं कौन हूं, और फिर प्रक्षेपात्मिका मतलब क्या है, हर समय उसको भ्रमित रहेगा बस। प्रक्षेपात्मिका क्या अर्थ क्या उसका, थेट प्रक्षेपण, प्रक्षेपात्मिका मतलब भ्रम, उसका जो आवरणात्मिक और प्रक्षेपात्मिका दो प्रकार से जो कार्य करती है उससे भ्रम ही उत्पन्न होता है, कि स्वयं को शरीर समझना, भगवान से कुछ संबंध नहीं मेरा ऐसे माना, अहम ममिति इसमें फंसा देती है, ये महामाया। और योग माया भी भ्रमित करती है, लेकिन भ्रमित करना कैसे, आध्यात्मिक दृष्टि से भ्रमित कर, वो कैसे, क्योंकि भगवान जैसे अभी द्वारका का प्रसंग चल रहा है उसको ही लेते हैं, पहले भगवान ने अपने इतना विस्तार किया, तो इतना विस्तार किया तो जो विस्तार है तो विस्तार भी स्वयं कृष्ण है, ऐसे नहीं ये कृष्ण और बाकी कोई अलग है, ऐसे नहीं कोई मूर्ति खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं और नारद में अलग अलग महल में गए,
पहले महल में थोड़ा सैंपल के लिए स्वयं कृष्ण थे, बाकी महल में क्या थे? ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे नहीं था, मूर्ति नहीं थी, स्वयं कृष्ण थे। लेकिन वहां पे अगर कोई दूसरा अगर होता तो उसको क्या लगता? वो नहीं समझ पाते कि भगवान ने इतना विस्तार किया है, स्वयं का विस्तार। लेकिन नारद मुनि को भी अगर कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो नारद मुनि भी नहीं देख पाते। लेकिन हुआ क्या वहां पर, भगवान, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया कि ठीक है मैं आपको दिखा दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, योग माया का जो पर्दा था जिससे भ्रमित हो सकता है कोई, वो निकाल दिया, इसलिए नारद मुनि पूरा आसानी से देख सके। क्योंकि उनको पता है कि नारद मुनि देख के क्या करने वाले हैं, स्वयं तो आस्वादन करने वाले, साथ साथ क्या करेंगे, प्रचार भी करेंगे, सभी पूरे तीनों लोकों में भ्रमण करके क्या बताएंगे, अरे आपको पता है मैंने क्या देखा, क्या देखा, मैं द्वारका में गया था, अच्छा क्या देखा वहां, तो वहां देखा कृष्ण और उनकी 16,061 रानी थी, बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, 16,061 महल थे, बस महल थे नहीं, इतना ही नहीं, 16,061 रुपये में अपना विस्तार भी किया था कृष्ण ने। ओ हो, ये बहुत बड़ी विशेष बात है, आश्चर्य की बात है ना। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि ठीक है आपकी इच्छा तो प्रदर्शित किया। वैसे देखा जाए तो देखिए कैसे है, एक है भ्रम, दूसरा है काल, दो बातें हैं। वहां पे महामाया का आवरण, महामाया कवर करती ना, आवरण डालती ना, आवरण का वहां पे महामाया आवरण महामाया का नहीं है उधर, इसलिए वहां भ्रम तो उत्पन्न नहीं होता है भौतिक जगत जैसा, और दूसरा काल का भी प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, योग माया के माध्यम से काल का भी उपयोग कर लेते हैं वहां। जैसे नारद मुनि अलग अलग स्थानों में जाते हैं, कभी कहीं जाते तो ब्रह्म मुहूर्त है, वैसे एक ही दिन में इतने अलग अलग थोड़ी हम देख सकते हैं, एक ही दिन में यहाँ ब्रह्म मुहूर्त है और वहां गए तो वहां संध्या समय हो गया है, उधर गए तो ये हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, अरे अभी भी थे इनके बच्चे छोड़ दिए, अभी कैसे होगा इतना पूरा, क्योंकि कम समय में पूरा दिखाना चाहते थे पूरा सीन, है ना। तो फिर काल का भी प्रभाव ना, योग माया उपयोग करती काल का, काल वहां क्या नहीं करता है, तो मुझे बता रहे थे कल क्या नहीं करता है, लोकक्षयकृत प्रवृद्ध हो काल। भगवान कहते ना, अर्जुन ने पूछा आप कौन हो, भगवान ने क्या कहा, मैं समय हूं, इसने कहा, लेकिन कहा कि मैं काल, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध हो, क्या करता हूं मैं, सबका क्षय कर देता हूं। देखिए हमारे पास कोई भी चीज हो, फिर वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, या हमारा शरीर हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, काल ऐसा है कि किस, वो क्या कर लेता है, छीन लेता है। इसलिए हमें हर चीज का क्या करना चाहिए, उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, निकल जाएगा तो फिर वो अटैचमेंट रहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। जैसे अगर समझिए कि आप अगर फेविक्विक पता है ना, फेविक्विक, उसको आप गलती से क्या करेंगे, उसका अंदर स्टिक होता है, उससे नहीं लगाएंगे, गलती से हाथ से लगाएं तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, चिपक जाता है। मैं देखा है कि डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना पड़ता है निकालने के लिए, पता है आपको, इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हमको भौतिक जगत में। ये भ्रम और जो काल का प्रभाव भौतिक जगत में सबके ऊपर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भ्रम और काल का प्रभाव, लेकिन कैसे, योग माया के द्वारा, यहां महामाया के द्वारा है, वहां योग माया के द्वारा। फिर वो योग माया क्यों उपयोग करती है, वहां उदाहरण के रूप में यशोदा मैया है, अगर क्योंकि वहां का हर एक जीव पूर्ण है ना, क्योंकि यहां पूर्ण बनता है तभी तो जा सकता है ना भगवान के धाम में। कौन सा श्लोक है वो, ईशोपनिषद का मंत्र कौन सा, पूर्णाहुति वाला, मंगलाचरण वाला, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है इसलिए उनसे निकलने वाला भौतिक जगत भी पूर्ण है, और जीव भी पूर्ण है, और उनसे पूरा निकलने के बाद भी बचता वो भी पूर्ण है, वैसे पूर्ण है भगवान, बोले जीव पूर्ण है। लेकिन जीव की जो सही पूर्णता कब होती है, प्राप्त होती है उसको, जब वो भगवान से जुड़ता है, या भगवान को मतलब समझने के स्तर पर क्या पूर्ण कृष्ण भावना भावनावित होता है तब, और तभी भगवान के धाम में जा सकता है। तो वहां सभी पूर्ण है जीव, और विश्व से सभी सच्चिद आनंद में है, पूरा ज्ञान है, अगर पूरा ज्ञान है उनको तो फिर उधर भगवान कुछ मान लीजिए यशोदा मैया भी आज अगर दीपावली का दिन है और नहीं है।
ये गिरिराज जी के ऊपर कौन आ रहे हैं? सारे बड़े जो ग्वाल थे और जो गवे थी, ऊपर से जब देखा उन्होंने, नीचे बछड़े भी हैं और क्या है, ग्वाल बाल भी है। तो गाय इतने जोर से वहां से भाग रही है, उनके सरों से दूध निकल रहा है, मानो गिरिराज जी का अभिषेक हो रहा है वहां पर। पूरा नीचे आ गई, बछड़ों को चाट रही है, बछड़े भी दूध पी रहे, और ऊपर से ग्वाल बहुत रोक रहे थे, बहुत रोक, फिर भी रोकना मुश्किल हो रहा था, और वहां से नीचे आ गया और उनको देखा, ग्वाल बलराम देखे, उनको आलिंगन दे रहे, उनको चुम्बन दे रहे। बलराम देख रहे बात क्या, आखिर दाल में कुछ गोरा है, काला नहीं ना, ये काला है ना, कृष्ण काले है ना, वो स्वयं गोरे है। अरे कृष्ण ने सोचा था तो दाल में कुछ गोरा ऐसे बोल सकते, लेकिन दाल में काला मतलब कृष्ण का कुछ काम होगा लगा। सोचा कि ये तो देवता तो नहीं कर सकती इतना भ्रमित, और फिर ये माया तो महामाया तो नहीं कर सकती है। कृष्ण को देखा ऐसे, पूछा कृष्ण ये क्या है, कृष्ण ने बता दिया पूरा ऐसे ऐसे, उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा कारण ऐसे बताते इसके बारे में, क्योंकि अलग अलग लीलाएं हैं एक एक इसमें, ये भी करते हैं कि मतलब किसी ने कहा मुझे, किसी का लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे कि बलराम जी को क्यों मोहित किया फिर भगवान ने योग माया के द्वारा। उसका कारण ये था कि बलराम जी को अगर पता लगता पहले ही कि मेरे जो मित्र है ग्वाल बाल है वो सारे चोरी हो गए, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, उनका विरह बड़ा ज़्यादा सताता उनको। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन पर वो मोहित, उनको योग माया द्वारा मोहित किया। और वैसे तो बलराम जी भी किसी को मोहित कर सकती है योग माया के द्वारा, लेकिन लीला के लिए भगवान ऐसे करते रहते हैं। और यहाँ तक कि उद्धव को भी, उद्धव को भी पता नहीं, देखिए इतने उद्धव थे, इतने पास में थे, उद्धव से तो बहुत बार सलाह लेते थे भगवान, है ना, फिर भी क्या हुआ, उद्धव को भी पता नहीं था, क्योंकि पता लग जाता तो फिर क्या होता, फिर उनको इतना आनंद नहीं आता। फिर 16,061 रानी है और 16,061 कृष्ण है बन गए उतने, और फिर हर एक रानी क्या कर रही है, चौकट पे आ रही है, भगवान को विदाई दे रही है, और फिर बाद में आज आ रहे भगवान। यहाँ तक कि जो दारुक थे, दारुक पता है, दारुक वो क नहीं बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है, पूरा बोलना चाहिए, तो फिर वो भी, उनको भी पता नहीं था, वो भी 16,061 रुपये में उनका भी विस्तार था, रथ भी 16,061 थे, और कृष्ण जब निकलते थे तो रानियाँ उनको क्या करती थी, विदाई देती थी, और फिर रथ में बैठ के सारे जाते थे, पहुँचने के बाद एक ही कृष्ण जाते थे अंदर, कहाँ पे कौन सा सभागृह था वो, कौन सा, प्रभु जी को पता, परम स्तर प्रभु को, उधर है ना नोएडा में सुधर्मा सभागृह, वो वाला नहीं इतना तो करना ठीक है तो सुधर्मा, पहले गलती से सुरधमा हो गया था, बाद में वो सुधर्मा कर दिया, तो फिर उधर तो ऐसा नहीं होता, उधर ज़्यादा आएंगे तो फिर वो कम बोलते कि ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन वो द्वारका में जो सुधर्मा सभा करें ना, वहाँ कितने भी जाएंगे तो भी विस्तार होता रहता है, एक्सपेंशन होता है। अब देखिए जब रासलीला हो रही थी वृंदावन में, द्वारका में नहीं हुई वृंदावन में, तो फिर वहाँ पे पता है कितनी गोपियाँ थी, 3 करोड़ गोपियाँ थी, और कृष्ण कितने बन गए, 3 करोड़, मतलब और कितना एरिया है वहाँ पर वृंदावन में, 84 कोस पूरा मिला के, राजस्थली तो बहुत छोटी है, फिर भी इतने सारे होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण ने ये नहीं कहा अरे वृंदावन बढ़ गया तो फिर थोड़ा मैं आगरा में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा दिल्ली में भी थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, उधर का दीवार तोड़ दो उधर थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर अरे गंगा जी आगे थोड़ा हटाओ उसको, बलराम थोड़ा हाल से निकालो, गंगा जी को उधर करो, मुझे रासलीला के लिए कम पड़ रहा है, ऐसे हुआ नहीं हुआ, अपने भी एक्सपांड हो रहा था, क्योंकि हमारा जो भौतिक जो मापदंड है, हमारे जो गिनने का ये है, वो वहाँ पे लागू नहीं होता है आध्यात्मिक जगत में, हमारी दृष्टि से 84 कोस है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो कमल के जैसा है भगवान का धाम, लोटस फ्लावर है ना, अगर भगवान बीच में है और वहाँ अगर जाना है तो क्या हो जाता है, वो कमल ऐसे खिल जाता है, भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं, और यहाँ आए तो ऐसे नहीं भाग दौड़ कर रहे क्या कब पहुँचोगे, नहीं बस ऐसे मिट जाता है कमल पुष्प, यहाँ पहुँच गए भगवान इतना। और कमल पुष्प बहुत विस्तार भी हो सकता है ज़्यादा, ऐसे नहीं कि इतने हमारे, हम देखते हैं ना कमल की, कमल थोड़ा विस्तार करेंगे तो फट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, यहाँ का हर चीज़ क्या है, कुछ भी हो टूट जाता आखिर है ना, ऐसे पहले टूटा ही होता है वो, लेकिन आखिर बोलते टूट जाता है, क्योंकि लग रहा है कि टूटा नहीं है, है ना, एक दिन हो जाता है ऐसा, कुछ भी हो, कितना भी रिलेशन हो, संबंध हो। इसलिए कल या परसों में सुन रहा था प्रभुपाद जी से ही कि आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक इस्कॉन में आने के बाद भी हमारे भक्ति विनाथ इसमें एक प्रश्न पूछ रहे थे, हमें भक्ति प्रभव महाराज सिखा रहे भक्ति विनाथ, भक्त ने पूछा कि महाराज
हम भक्ति में आने के बाद भी अगर भक्तों के साथ जो संबंध होता है हाँ, वो तो आध्यात्मिक होता है, वो ठीक है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर भक्तों के साथ आपका संबंध आध्यात्मिक है तो अच्छा है, भक्तों के साथ आपका अगर आध्यात्मिक रिलेशन नहीं है हाँ, भौतिक स्तर पे है, फिर वो रिस्क है आपके लिए, धोखा है। भक्तों के बीच में क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक संबंध होना चाहिए, जिससे हाँ, संग वो है जिसे दोनों भक्त मिलने के बाद क्या होना चाहिए, भक्ति में प्रगति होनी चाहिए हाँ। भक्त मिलने के बाद अगर प्रगति नहीं हो रही है, अधोगति हो रही है, अपराध हो रहा है वैष्णव के प्रति, तो क्या समझना चाहिए, वो संग क्या नहीं, हमारे लिए सही नहीं है, बहुत रिस्क है हमारे लिए। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कन्फर्म कर लेना चाहिए कि ये संग सही है कि नहीं मेरे लिए, गुरु महाराज से, वरिष्ठ वैष्णव से। तो इसलिए जो मैं बता रहा था कि विस्तार की बात, विस्तार कैसे वहां पर आध्यात्मिक जगत में, दिव्य स्तर पर, भौतिक स्तर पे नहीं है वो। और दूसरी बात है कि कहां तक गाड़ी आ गई, सही बात है ना, सही ट्रैक पे है ना प्रभु, आप थोड़ा बताते हो। मित्र मुझे को नियुक्त किया है मैंने, जैसे मैं कौन होता नियुक्त करने के लिए, जब तक यहां बैठा हूं तब तक है बाद में, तो सही बात, यहां बैठा तब तो फायदा उठाना चाहिए तो। अच्छा, तो बड़े बड़े लोग भी, उन्हें कोई नहीं जानता था धाम गोलोक वृंदावन में, कि मतलब भगवान की योग माया की जो शक्ति है उसके सामने भगवान और किसी को भ्रमित करना चाहते तो कौन उसको ये कर सकता है ना, कोई ये नहीं कर सकता उनको। और फिर जो भगवान जब चाहते हैं और किसी को संहार करना है, कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है भगवान को, केवल इच्छा करनी होती है कि मुझे संहार करना है, तुरंत सारी शक्तियां तैयार रहती, कब मुझे सेवा में नियुक्त करेंगे, तो तुरंत संहार शक्ति आ जाती, ठीक है रेडी हाँ, तुरंत संहार हो जाता है। अगर मैं भानु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो बताते हैं कि जब भगवान की इच्छा हो जाती है, जो हाँ, कौन अपने साधु संगानंद प्रभु हाँ, जो भगवान की इच्छा होती है ना, क्या इच्छा होती है, योग निद्रा की नहीं, मतलब इसकी वो भी है योग माया का। तो जब भगवान की इच्छा होती है कि वहां बैठे थे कृष्ण बीच में, सारे ग्वाल बाल बैठे थे हाँ, भोजन कर रहे थे, और कृष्ण की मन में एकदम इच्छा हो गई, ये सारे मेरे मित्र है, ये बच रहे, इनको थोड़ा भ्रमित करूंगा तो कैसे होगा, ऐसे सोचा, केवल इच्छा हो गई, तो क्या हो गया वहां पे, लीला शक्ति हाँ? लीला शक्ति ने क्या किया वहां पर, तुरंत व्यवस्था की, ब्रह्मा जी के माध्यम से क्या किया, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मा जी को प्रकट कराए वहां पर, ब्रह्मा जी ने सब चोरी की और फिर वो लीला हो गई संपन्न वहां पर, ऐसे भी करते हैं क्या। फिर यशोदा मैंने कहा, सबने कंप्लेंट किया ना यशोदा मैं से कि कृष्ण ने क्या किया, मिट्टी खाई है, बलराम जी ने कहा कि मिट्टी खाई है, लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बड़े राम दादा खोट बोल तो ऐकलेगा तुम्हें, ऐकलेगा काल का ऐकले तो करेगा, तो कहा कि ये नहीं नहीं झूठ बोल रहे, बड़े राम दादा खोट बोल तो, मी नहीं माती खाली, नहीं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, अरे मुंह खोलो फिर, मुंह खोलने के बाद तब देखा कि भगवान की इच्छा होगी थोड़ा क्या करूं मैं, बड़ा ऐश्वर्य दिखाऊं, अगर मिट्टी तो खाई है, झूठ तो नहीं सच था, अभी सच भी है और झूठ तो मैंने कहा है, उसको अभी क्या करना है, झूठ को सच करना है, झूठा ही सही मतलब उसको ये करना है, इसीलिए क्या किया भगवान ने, ऐश्वर्य शक्ति एकदम से कार्य करने लगी, ऐश्वर्य शक्ति प्रसन्न हो गई, ठीक है। तो तुरंत ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया, कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड दिखाए, मिट्टी देखनी ने मेरे मुंह में हाँ? ये मैंने खाई वही मिट्टी नहीं है मेरे मुंह में, सारे ब्रह्मांड में जितनी मिट्टी वो सारे मेरे मुख में देख रहा है ना, कर लो दर्शन हाँ? ऐश्वर्य शक्ति कारण एकदम से मोहित हो गई यशोदा माई, और तुरंत भगवान ने क्या किया हाँ? रोने लगे कि मुझे दूध पीना है, तो एकदम देख मेरे क्या हो गया, अरे मेरा लाला इधर है, और इसके मुख में क्या देखा, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ? ऐश्वर्य शक्ति एकदम से क्या किया, अपना काम निकालने के बाद ऐसा में भूल गई, भ्रम योग में ऐसे कार्य करती वहां पर। तो इसलिए भगवान के अलग अलग लीलाओं में अलग अलग जो योग माया भ्रम और भ्रम का उपयोग भी करती है, और काल का भी प्रभाव अलग अलग ढंग से करती है। तो यहां पर देख रहे हम, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इस आज के श्लोक में विशेष रूप से भगवान अभी शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और लिखा है सैंधव, सैंधव मतलब क्या है, सिंधु से सैंधव आता है, आपको पता है सेंधा नमक हाँ, कब खाते हैं हम उसको, विशेष रूप से उपवास के दिन, एकादशी के दिन, एकादशी का नमक है, लाहौरी नमक भी कहते हैं उसको हाँ, लेकिन सैंधव, सैंधव कहते हैं विशेष रूप से, सैंधव, जैसे संस्कृत शब्द सैंधव है
सैंधव शब्द के दो अर्थ, एक तो है सिंधु का, वहां का सिंधु देश का जो प्रदेश का जो घोड़ा है उसको भी सैंधव कहा जाता है, और सैंधव नमक को भी सैंधव कहा जाता है। श्रील मध्वाचार्य एक प्रसंग में ऐसे, पता नहीं श्लोक भी नहीं किसी श्लोक पे टीका पे बताते हैं वो, कि मायावती लोग क्या करते हैं कि जब किसी चीज को अगर वेदों में शास्त्र में कुछ वर्णन है, किसी एक शब्द को क्या करेंगे गौर प्रेम प्रभु, एक शब्द को लेके उसको क्या करेंगे, उसको ये कर देंगे, है ना, एक शब्द को लेके ही वो उसको ही ज्यादा फोकस कर देंगे, बोलेंगे नहीं ऐसे है, उसके रेफरेंस नहीं लेंगे आजू बाजू का, ऐसे होगा। तो उस समय क्या होगा, देखिए वो उन्होंने मध्वाचार्य ने एक उदाहरण दिया इस सैंधव का ही, उन्होंने कहा कि जब सैंधव लिखा है, अभी यहां सैंधव किस सर से लिखा है, सिंधु प्रदेश का घोड़ा इस दृष्टि से लिखा है सैंधव, यहां घोड़े के अर्थ से लिखा है, लेकिन वो क्या करेंगे, कहेंगे देखो सैंधव लिखा इधर, लेकिन हो सकता है वो सैंधव नमक के लिए भी लिखा होगा, लेकिन वो उस समय क्या करेंगे, देखो सैंधव लिखा है बस घोड़े का है और क्या है, वो जहां घोड़े का है वहां क्या करेंगे, देखो नमक के बारे में लिखा है ना, तो ऐसा करके लोगों को क्या करेंगे, भ्रमित कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं स्वयं ही भ्रमित है, किससे भ्रमित है, वो महामाया से भ्रमित है वो लोग। लेकिन जो मतलब ये जो बातें जो है शास्त्र की बात है, ये बातें मायावादी लोग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो महामाया द्वारा भ्रमित है, लेकिन भगवान के भक्त है उनके ऊपर योगमाया का पर्दा होता है, और भगवान जैसे योगमाया का पर्दा हटा देंगे क्या हो जाएगा, फिर दर्शन हो जाएगा भगवान का, लीला समझ सकते हैं। लेकिन जो मायावादी लोग है वो क्या करते हैं, पर्दे में रहना चाहते, इसलिए ठीक है पर्दे में रहने तो रहे और वो पर्दे में है ना, पर्दे क्यों हटाया जाए, है ना, तो उनकी इच्छा है पर्दे में रहते रहना है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, मर्जी है आपकी, अर्जी है हमारी। इन्होंने कहा था परम पूज्य राधारमण महाराज पिछले साल ब्रजवन परिक्रमा में, उन्होंने गौरांग प्रभु का प्रवचन था, होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम चाहते कि भक्त बोल रहे कि और एक बार आप आइए परिक्रमा में, तो राधारमण महाराज ने कहा कि अर्जी है हमारी और मर्जी है आपकी, तो हम तो अर्जी कर रहे तो अब मर्जी आपकी, अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे बता रहे। इसी प्रकार यहाँ नारद मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को देख के उनको तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन जो भगवान के भक्त है कुछ उनको आनंद होता तो क्या करते, स्वयं के लिए रखते केवल, क्या कर दूसरों में बांटते हैं ना, वो दूसरों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ऐसे कोई महाप्रसाद कुछ स्वीट मिल गया तो भक्त ब्रह्मचारी क्या करते हैं, स्वयं के लिए नहीं सॉरी नहीं सबको बांट, सॉरी उल्टा बोल दिया, सबको बांटते हैं, देखो मेरे पास ये आप भी ले लो, सबको देते हैं, और इसके विपरीत इसकी ग्रह मेदी मेंटेलिटी है, वो क्या करेंगे अपने लिए रख देंगे और स्टॉक करेंगे एक्स्ट्रा, है ना, ये अंतर है। तो इसे मराठी में कहा होता ना मुलाचे पाय पाळणे दिसतात, तो उसी प्रकार मतलब छोटा बच्चा है पहले से पता लगता है उसके क्या क्या लक्षण है, तो अगर ऐसे छिपा के रख रहा है बहुत कुछ तो समझना चाहिए कि गड़बड़ है कुछ, तो दाल में कुछ गोरा है काला, अभी कुछ नहीं बोलेंगे अभी डर गए, है ना। तो इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा, वहां भगत जी करके आपको सुना होगा ना, भगत जी करके थे, श्रील प्रभुपाद के लिए कुकिंग किया करते थे वृंदावन में भी, प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी ने मसाज लिया, मसाज लेके किचन में जाके उधर कुछ कुकिंग किया, फटाफट कुकिंग किया, और भगत जी से कहा कि मैं 100 लोगों का खाना प्रसाद आधे घंटे में बना सकता हूं। तो भगत जी ने कहा कि उनके मजाक चल रहा था, मैं कहा कि संभव ही नहीं, 100 लोगों का आधे घंटे में कैसे बना पाएंगे प्रभुपाद आप। उन्होंने कहा कि मुझसे ये लगाओगे आप, क्या बोलते बेट लगाओगे, बेट कहते ना, हाँ बेट लगाओगे कि मैं आधे घंटे में बना सकता हूं। तो भगत जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं, लेकिन एक हो सकता है कि आप क्या करोगे, आप अगर कहोगे कि मैं बना सकता हूं, अगर आप बनाओगे अगर हार जाओ, कहोगे कि कितना, तो 1000 रुपए का ऐसा कुछ, तो कहा कि नहीं 1 लाख रुपए का, अगर तुम हार गए तो मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसने कहा कि प्रभुपाद मुझे पता आप क्या करने वाले हो, ये आप भी नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करोगे ऐसा, अगर करके आप मतलब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आप अगर हार गए तो क्या करोगे कि आप तो पैसे नहीं दोगे, उल्टा क्या करोगे आप, कि मुझसे मांगोगे पैसा, तो कि 1 लाख रुपए आप क्या करो डोनेशन दे दो, ऐसा करोगे, सही है ना। कहा कि हाँ यस यस,
प्रोपाल जी ने कहा, हंसने लगे प्रोपाल जी, समझ गए मेरे। प्रोपाल जी ने कहा कि तुम समझ गए वास्तव में क्या कहना चाहता हूँ। एक तो मैं अगर बनाऊंगा आधे घंटे में तो क्या करूंगा फिर, मैं तो अगर नहीं बनाऊंगा तो मैं हार गया, तो मुझे पैसे देने, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो तुमसे ही मांगूंगा और कहूंगा कि डोनेशन के रूप में रिसीट दे दूंगा तुमको, है ना। दोनों तरीके से भगत जी ने कहा कि प्रभात मुझे पता आप दोनों तरीके से मुझे फंसाने वाले हो, लेकिन नारद मुनि ऐसा नहीं कर रहे। नारद मुनि क्या कर रहे हैं, सबको नारायण प्रदान कर रहे हैं, मतलब वो भगवान के पास जाकर लीला देखेंगे, उसका आस्वादन करेंगे और सब जगह क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। भगवान की इच्छा जहां पे है कि इनको ज्ञान मिलना चाहिए वहां पहुंच जाता है। वैसे कहा है कि हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत लोलुप होना चाहिए। ज्ञान तो मिल रहा है, बहुत बार कंप्लेंट होती है ट्रेनिंग नहीं मिल रहा, ट्रेनिंग तो मिल रहा है, लेकिन हम ले नहीं रहे तो फिर क्या है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है ऐसे नहीं। भागवतम क्लास का ट्रेनिंग नहीं है, मंगलाती ट्रेनिंग नहीं है, भक्तों के साथ जब करना ट्रेनिंग ही तो है, सब ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग इस कॉल में, लेकिन हम नहीं ले रहे थे। फिर मर्जी है आपकी और अर्जी है हमारी, ऐसी बात है फिर, है ना साधु संगत प्रभु। क्लास तो है, लेकिन क्लास में अगर है ना आंखें खोल के देखेंगे तो फिर क्लास का लाभ उठा सकते हैं, है ना। यहाँ भी अगर आंखें बंद की तो फिर वो अंतर क्या है, यहाँ और रूम में क्या अंतर है फिर, है ना, वही है। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे बहुत एक विशेष बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्षत्रिय का कार्य क्या है, हत्या करते, लेकिन किस लिए, जंगल में जाके पशुओं की हत्या करें, किस उद्देश्य से, वहां जो साधु लोग रह रहे उनको जो पशु लोग पशु उनको तंग करते हैं साधना में, इसलिए क्या करने के लिए, पशुओं की हत्या करके एक तो शिकार का प्रैक्टिस भी होना चाहिए, एकदम से अगर शत्रु आ गए बोलेंगे अरे तलवार रखिए, अरे तलवार नहीं निकल रही अभी क्या, अरे तलवार को पॉलिश भी नहीं किया, अरे क्या होगा अभी, तलवार उठाने का प्रैक्टिस, ऐसे उठाने के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। इसलिए प्रैक्टिस मनुष्यों के लिए, कि मनुष्यों पर नहीं किया जाता था, किस पर, पशुओं पर प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्या है, वहाँ लोग साधु लोग रहते उनको भी शांति से चैन से जी सके, साधना कर सके, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। जो मंदिर के भक्त ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ भी हो, उनके लिए ये साधना जो प्रैक्टिस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधना अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर साध्य तक पहुंचेंगे भी नहीं, हमको पता भी नहीं। देखिए जो साधना नहीं कर रहे और फिर क्या कर रहे, फिर भी सेवा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन क्या हो जाएगा, उनका मन केवल भौतिक विचारों से भर जाएगा, क्योंकि साधना के द्वारा हमारे मन और हमारे शरीर क्या हो जाता है, आध्यात्मिक प्रभाव हो जाता है। फिर अगर साधना नहीं करें, साधना के द्वारा हम कृष्ण के साथ अपना कनेक्शन है ना, कनेक्शन करना है ना, तो कनेक्शन अगर रोक देंगे हम तो क्या होगा, फिर कनेक्शन नहीं होगा भगवान के साथ। करना इसलिए कर रहे तो फिर, या नहीं कर रहे तो फिर वो प्रभाव जो है साधना का प्रभाव हम पर नहीं होगा, भौतिक शक्ति का ही प्रभाव बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। और एक दिन सोचेंगे यार इसको में कुछ नहीं है, अरे पहले बहुत था प्रभुपाद जी, अभी कुछ नहीं, तो ऐसे एक दिन हो जाए, क्यों साधना नहीं हो रही। फिर कोई भी हो, कितना छोटा हो बड़ा हो, साधना नहीं तो फिर क्या, साध्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें नकल नहीं करनी चाहिए, है ना, कि नहीं वो नहीं कर रहे हो, हमको देखना चाहिए कि हम अपना देखना चाहिए, हमें स्वयं की साधना को सुधारना चाहिए। और यहाँ जो भगवान जो मतलब शिकार के लिए जा रहे हैं, लीला है भगवान की, और क्षत्रियों के लिए जरूरी भी है। वैसे मैंने कहा है अभी, जैसे एक बार क्या हुआ, श्री राम भगवान को सीता जी ने कहा वनवास में, क्योंकि वनवास में भी कृष्ण राम जी क्या कर रहे थे, धनुष बाण था साथ में उनके। सीता जी ने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत विनम्रता से कहा। श्री राम जी ने कहा कि ऐसी क्या बात है, इतनी विनम्रता से बता रहे हो, बात ही ऐसी है। कहा कि आप जो एक पहले कथा बताई उसने, सीता जी ने, पता है आपको कथा सुनी होगी आपने, कथा ये है कि एक दिन की बात है कि एक ऋषि थे, बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे तो क्या हो गया, वहां पर इंद्र को पता लग गया। इंद्र को पता लगने के बाद क्या हो जाता है पता है आपको, इंद्र क्या करता है, भयभीत हो जाता है इंद्र। इंद्र को लगता है क्या होगा, क्या लेने वाला है, मेरा पोस्ट लेने वाला है ना। ये पोस्ट का मामला बहुत ये है, पहले जो पोस्ट ऑफिस था वो ठीक था, अभी पोस्ट ऑफिस तो नहीं है, अभी ये पोस्ट का पोस्ट है ही, पहले पोस्ट ऑफिस था अभी ये पोस्ट आ गए, मतलब पोस्ट है ही हर समय नहीं, तो पोस्ट का मामला बहुत है, पोस्ट मिल जाता तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि कुर्सी है ना, ये भी हो व्यासासन वो कोई भी कुर्सी हो, हाँ कुर्सी से बच के रहना चाहिए। तो इसलिए कभी आपको कोई कुर्सी दे रहा तो आपको बोल देखना चाहिए कुर्सी क्यों दे रहे, है ना, मामला क्या है। तो इसलिए हाँ प्रभु ये 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस
पुरानी बात याद आई कि होगी आपके 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब समझने वाले 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस किसी फिल्म में मैंने सुना था, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस। मैं सोच रहा था मैं कब बोलूंगा 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अभी मैं बोल सकता हूँ 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो फिर क्या हुआ, सीता जी ने कहा कि वो ऋषि जब तपस्या कर रहा, इंद्र घबरा गया। इंद्र देखा कि अभी क्या होगा, अभी इस तपस्या का अगर इसको प्रभाव हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरी कुर्सी खाली हो जाएगी। इसलिए क्या किया इंद्र ने, स्वयं ही किसी को रंभा और ऋषि को नहीं भेजा इस बार, अलग चाल थी उसकी, अलग साजिश की उसने। क्या किया, स्वयं ही बन गए योद्धा, बन गए, तलवार थी, तलवार उसमें थी, किसमें थी वो, मैन, अभी पता नहीं इसमें हिंदी में क्या शब्द है, उसको क्या कहते प्रभु, परम सुंदर प्रभु, वो तलवार रखना होता है ना उसके अंदर, अच्छा मैन होते उसको भी, मैन कहते अच्छा मैन मार उसका, म्यान में रख के मारना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। देश का एक नाम है ना म्यानमार, तो रखा था और वो आ गए योद्धा के रूप में आ गया। और उसने क्या किया, पूरे कवच सब पहना था उसने, और ऋषि के पास आ गए। ऋषि के पास आके प्रणाम किया उनको और कहा कि मुनिवर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहा कि आप कौन है, मैं एक योद्धा हूं, अभी भी युद्ध समाप्त हुआ है और मैं यहां पे आया हूं, और मैं अभी युद्ध तो अभी समाप्त हो गया, मैं पता नहीं भी तुरंत युद्ध होने वाला नहीं, मैं भी वापस जाऊंगा, मैं ये अस्त्रालय में ऑस्ट्रेलिया में ये रखूंगा तलवार, ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्त्रालय ऐसे मैंने सुना है, तो वहां जाऊंगा, दूर है ना वो, फ्लाइट से जाना आना मुश्किल होता है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि तब तक अगर मैं आपके पास रखूंगा तो चलेगा। तो ऋषि ने सोचा मैं स्वयं तो युद्ध नहीं करता हूं, योद्धा है ये, अपना काम कर रहा है, मैं अपना भजन कर रहा हूं, कोई बात नहीं, तलवार रखने में क्या मुश्किल है ना, तलवार है ना, हमें कोई तलवार रखने के लिए तो रखने में क्या मुश्किल है ना। तो फिर अभी मुश्किल क्या पता लग जाएगा, तो फिर कहा कोई बात नहीं रख लिया, और अपने पास योद्धा चला गया वहां से, अपना उसका काम हो गया, इंद्र था वो योद्धा नहीं था, मेरा काम हो गया अभी। तो ऋषि ने क्या किया, उनका घर तो नहीं था कुछ, पेड़ के नीचे बैठते थे, और कहीं जाना है लघु शंका बड़ी शंका के लिए जाना है तो क्या करते थे वो तलवार लेके जाने लगे। सोचा कि मैं कहीं जाऊंगा तलवार यहां रखे जाऊंगा, और कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, पूछेगा तलवार कहाँ है, वही आएगा तो योद्धा, साथ में रखते थे जाते थे आते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, एक दिन सोचा ये तलवार क्या चीज है ना, थोड़ा देख तो लूं मैं, ऐसे लगता है ना कुछ नई चीज है और साथ में है ना, देखा कि तलवार है क्या चीज है ना, मैं भी जानना चाहता हूं, तो इसलिए क्या किया तो खोला तलवार ऐसे। तलवार खोलने के बाद क्या किया उसने, पता है क्या किया होगा, पहले अपने उंगली को ऐसे किया, ऐसे किया तो उंगली कट गई, खून बहने लगा, अरे खून, अच्छा इसे तलवार है। और वहां आगे जाके वहां वहां क्या हो गया, छोटा सा ये था मतलब पेड़, छोटा सा पेड़ था, उसको क्या किया उसको ऐसे काटा, घुट गए वो भी, अरे कमाल है। और वहां खरगोश जा रहा था, खरगोश चुक 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 ऐसे, उसको भी काट दिया, वो भी कट गया, अरे ये तो अच्छा है। और जा रहा था हिरन जा रहा था, उसको भी काट दिया, वो तो अच्छा है। और उसने से क्या बंद हो गया, उसका साधना बंद हो गई उसकी, क्यों क्या हो गया, बीच में तलवार आ गई थी, बीच में काम हो गया इंद्र का। तब सीता जी कह रही श्री राम भगवान से, देखिए इसलिए मैं कह रही हूं कि ये अस्त्र हम तो वनवास में, अभी इसकी क्या, अभी तो आप एक राजा के रूप में नहीं हो, क्षत्रिय के रूप में नहीं हो, तो इसे धनुष बाण साथ में रहेगा तो क्या इच्छा होगी मन में, यह है तो फिर कुछ इसका उपयोग भी करना चाहिए, ऐसे करके आप किसी जो निष्पाप जीव पर आप इसको चला सकते शायद। तो श्री राम भगवान ने कहा कि बहुत धन्यवाद सीता, तुम मेरा इतना ख्याल रख, लेकिन विश्वास करो कि मैं इसका दुरुपयोग नहीं करने वाला हूं, इसका अगर जो साधु संत है वो तपस्या करे साधना करे उसमें अगर बाधा ला रहे कोई तो उसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप विश्वास करो। तो सीता ने कहा ठीक है ना, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है समझना। और साथ ही साथ जो इसको प्रैक्टिस, भगवान इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हमें सिखाने के लिए, क्षत्रिय का प्रैक्टिस क्या है, युद्ध करना है ना, बीच बीच में थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। और फिर ब्राह्मणों के लिए क्या जरूरी है, अध्ययन, और ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय, अध्ययन जरूरी है। ये साधना है, पांच महासाधन है ना, चैतन्य अपने कितने बताए, 64 में से 64 अंग है भक्ति के, लेकिन उसमें से पांच महासाधन है। पांच महासाधन मतलब कौन से पांच महासाधन, कौन से कौन, साधु संगत प्रयोग बताइए आप,
अच्छा आपने वो बताया, मुझे लगा कि आप अपना नाम से बताएंगे, साधु संघ पहला है इसलिए आपको पहले पूछा मैंने। ठीक है तो ओके, धामवास और साधु संघ और भागवत श्रवण हो गया और श्री विग्रह सेवा और नाम संकीर्तन संघ, एक तो हो गया साधु संघ और भागवत श्रवण है, तीसरा है विग्रहों की आराधना है और नाम संकीर्तन और धामवास, पांच है ना, ABCD ऐसे याद रखना। तो फिर पांच है, पांच महासाधन है। और आश्चर्य की बात है, और आपको पता ही होगा आश्चर्य नहीं आपके लिए, तो ये पांच के पांच महासाधन जो है सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक पांच के पांच आसानी से मिल जाते हैं। तो मतलब पूरे 24 घंटों में ये मॉर्निंग 4:30 to 9 जो समय है इसमें अगर मंदिर में है, कोई ऐसे नहीं कहीं कहीं भी रह के हो सकता ही नहीं, ऋषभ सिंह इस्कॉन के मंदिर में तो ये पांच महासाधन बहुत कम समय में आसानी से प्राप्त होते हैं। इतना ही कि हमको थोड़ा धैर्य रखना है, हमको अगर सोना ही है तो फिर बाकी समय सो सकते हैं, लेकिन इस समय में हमको बहुत जागृत रह के क्या करना चाहिए, स्टॉक रखना चाहिए हमारा, नींद पहले पूरा करके या कुछ करके इस समय पूरा क्या अलर्ट रह के क्या करना चाहिए। 4:30 से लेकर ये जो इसमें देखिए पांचों के पांच प्राप्त हो जाते हैं, हम साधु संघ भी मिलता है, भागवत श्रवण भी होता है, विग्रहों की आराधना, बोलेंगे हम कहाँ आराधना करते हैं, हम नहीं कर, लेकिन पुजारी क्या कर रहे हैं पता है, हमारी ओर से आराधना करते हैं, इसलिए अगर उनको आराधना करते हो अगर हम देखते तो फिर वही लाभ हमको मिलता है। और विश्व रूप से इस कार्तिक मास में कौन आ रहा है हर रोज मंगल आरती करने के लिए, गुरु मां स्वयं आ रहे हैं, उनको अगर करते हुए देखेंगे तो बस और क्या चाहिए हमको, स्वर्ग में भी ऐसे लाभ नहीं होता है, स्वर्ग में मंगल आरती है क्या, नहीं उधर उधर नहीं, स्वर्ग में अप्सरा है, आप मंगल आरती करें अपने हरे कृष्ण ऐसे मंगल आरती है ना, इधर इतना फायदा, पंडरपुर धाम है, चंद्रभागा मैया इधर पास में है, प्रहलादपुर बता रहे थे कि यमुना सहस्त्र नाम है और गंगा सहस्त्र नाम है भी चंद्रभागा का नाम है, दोनों भी चंद्रभागा के नाम है उसमें, और पांचवें स्कंद में भी एक पवित्र नदी के रूप में चंद्रभागा का नाम आया, और गुरुबान ने बताया कि चंद्रभागा तो स्वयं गंगा ही है, भगवान के चरणों से प्रकट हुई है विट्ठल भगवान के। तो इतना सब मिला है हमको, फिर भी दूर दूर से लोग आते हैं मंगल आरती के लिए और हम इधर घर पे मंगल आरती में नहीं आए, तो कितना दुर्भाग्य हमारा है ना। एक बार प्रशांता माता जी बोल रही थी आरोप बहुत साल पहले, मुझे लगता है 15 साल पहले आई थी, बता रही थी कि कभी क्या होता है मंदिर में जो ब्रह्मचारी उनको लगता है बस है मंदिर में ठीक है ना, बस ऐसे पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा कल्याण, और कह रहे थे कि हाँ ऐसे कहा उन्होंने, उनके शब्दों में बता रहा सही बात है, इसलिए मैंने बहुत उसको सीरियस लेना जरूरी है कि कहा कि ऐसे लग सकता है कि बाहर गृहस्थ आते हैं भक्त लोग दूर से आते बहुत, वो आते मंगल आरती में आते हैं और वो ब्रह्मचारियों कहते हैं कि प्रभु जी आप कितने भाग्यशाली है, हमको तो इतना काम सब करके रात को देर होती है, हमको मंगल आरती में इच्छा होती है कभी आ सकते कभी नहीं आ सकते, फिर भी हम आते यहाँ पर, आप कितने भाग्यशाली, आप मंदिर में रहते हो, आपको तो कुछ मुश्किल है, आपको तो पास में ही मंदिर में ही रहते हैं आप, तो आपके लिए मंगल आरती है साधना पूरा आसान है आपके लिए, ऐसा वो कहते रहते हैं, मतलब वो तरसते हैं, अरे हम नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे। नोएडा में देखता हूँ कि 10-20 किलोमीटर से आते लोग मंगल आरती के लिए, वो रोज अब देखते हैं कि मंदिर में भक्त है आपने अपने रूम में सो रहे, इतना दुख होता है उनको, सोचते हैं अरे क्या है, बात है, वो इतना तरस से, फिर क्या होता है माता जी बता रही थी कि वो कुछ समय के बाद वो वानप्रस्थ बन के आ जाते हैं, क्योंकि तीव्रता है ना आते, और जो नहीं आ रहे वो गृहस्थ बन के बाहर जाते हैं। ये हकीकत है, मैं कोई शाप नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत गंभीर, एक हंसने की जो ये जोक नहीं है, ये उस भक्त के जीवन में जोक हो जाता है, फिर उसका ही जोक हो जाता है। इसलिए क्या है, हम ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठेंगे तो घर वाले दूसरा मुहूर्त निकालेंगे हमारे लिए, है ना, मुहूर्त तो काफी होते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है, हमको इतना लाभ मिला है और इतनी कृपा प्रभुपाद जी ने की, हमको प्रभुपाद जी लिखते हैं ना ये जो साधना नहीं कर रहा है वो आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता रहा है। अभिराम को पत्र लिखा है ना, श्रील प्रभुपाद और अभिराम को पत्र, तो इधर भी था पहले नहीं लगाया होता सब तारे मंदिर में होता है, तो उसमें क्या लिखा है, आप अगर मंगल आरती में नहीं आ रहे सुबह सब ला भक्तों के साथ जप नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, इसका अर्थ आप आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता रहे। उसमें लिखा है ना कि कौन सा क्या है? हाँ आध्यात्मिक जीवन का सवाल ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता रहे वो, है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे धीरे धीरे कॉन्शियस से मंगल आरती साधना नहीं करे तो हमारा कॉन्शियस अलग हो जाएगा धीरे 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 भौतिक बन जाएगा, जिस उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा सफल नहीं होगा। इसलिए आप मुझे भी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं बस लगा रहा हूँ साधना में, कल ही गुरु महाराज बता रहे थे वो मीटिंग में भी, है ना, कि
कि कितना जरूरी है साधना करना भी, है ना। तो हम साधना करने के लिए प्रेरणा क्या, मुझे पूछा किसी ने कि आप साधना के लिए क्या प्रेरणा क्या मिलती है आपको, गुरुमान ने एक बार पूछा था बहुत साल पहले, तो मैं रिपोर्ट भेजता हूँ गुरुमान साधना कार्ड, तो क्या प्रेरणा मिलती है? मैंने कहा कि ये साधना कार्ड मैं गुरुमान के भेजता हूँ, इससे मुझे मैं ये विश्वास है कि गुरुमान जी देख रहे, मतलब मुझे अच्छी तरह साधना करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, साधना कार्ड बना के हमारे काउंसिलर को या किसी वरिष्ठ भक्त को या गुरु महाराज को दिखाना चाहिए, मेरा साधना कर गुरु, आप थोड़ा देखिए कुछ करेक्शन है तो बताइए, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे क्या लगेगा अरे महाराज देख रहे हैं, ये सीनियर भक्त को दिखा रहे, तो क्या होगा फिर हमको लगेगा ये देख रहे हैं, मतलब कुछ तो कृपा दृष्टि है, नजर है हमारे ऊपर, है ना। तो फिर माया की नजर, उनके माया मेहरबान हो जाएगी हम पर, है ना। ये इससे पहले कि ऐसे हो जाए कि हम साधना में लगे रहेंगे, अगर किसी हमारे जीवन में कुछ किसी कारण से कुछ घटना घटित हो जाती है तो भी क्या है, साधना जारी अगर है हमारी तो फिर हम टिक पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, है ना, डावाडोल। हरे कृष्णा, क्षमा करना, एक मिनट मैंने ज्यादा लिया आपका, फिर भी कुछ प्रश्न है तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे धर्म अर्जुन प्रो से पूछ सकते हैं, फिर प्रहलाद प्रो से भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपसे भी, हाँ प्रश्न है लेकिन देर हो गए ना, प्रभु जी पूछ सकते हैं। ओके, समझना चाहिए, अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न समझ गए ना, गुरु महाराज कहते हैं कि हम साधना करें जब करें मतलब हम कृष्ण को हमने पा लिया है, सही है, क्योंकि हरि नाम मतलब कौन है, कृष्ण है ना, कृष्ण से अभिन्न है, हरि नाम ही हरि है, तो फिर आप हरि नाम ले रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, हम कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हरि नाम कृष्ण ही, फिर भी क्या है, हरि नाम कृष्ण होते हुए भी शुरुआत में हरि नाम अपने आप कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं कर रहे, इसलिए उनको हरि नाम प्रभु कहते हैं, हरि नाम प्रभु तो कृष्ण ही है, जितना हम उनका उनका उच्चारण करेंगे, नाम लेंगे, लेते लेते क्या हो जाएगा, हरि नाम हमें कृष्ण के रूप में भी दिखेंगे, अभी क्या दिख रहा है, हरे कृष्ण ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है केवल हमको, लेकिन बाद में क्या हो गया, वही हरि नाम हमें कृष्ण के रूप में दिखाई देंगे, फिर नाम लेते ही उनका रूप, उनकी गुण, उनकी लल एक ही करके रिवील करेंगे हरि नाम प्रभु, है ना। तो फिर कृष्ण हमको प्राप्त होंगे, फिर किनको कितने प्राप्त हुए कृष्ण डिपेंड्स, मतलब उनकी स्थिति के अनुसार है, शुद्ध भक्त है उनको पूर्ण रूप से कृष्ण प्राप्त हुए हरिनाम के द्वारा, कुछ है साधक है अभी तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनको नाम में रुचि बढ़ रही है, और भी लग रहा है कृष्ण को प्राप्त कर रहे धीरे धीरे, कृष्ण स्वयं रिवील कर रहे, इस प्रकार ने कहा ना योग माया जो है वो क्या करती है, भगवान की इच्छा से योग माया प्रभावित करती है भक्त को, भगवान को नहीं जान पाती जल्दी, जैसे हरिनाम नृत्य करता है ना, जब जब करता है शुद्ध भक्त, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा, इसका अर्थ नहीं कि वो नृत्य नहीं कर रहे, ऐसे नृत्य हो रहा है, लेकिन हरिनाम पर जो रिवील कर प्रकाशित करेंगे अपने आप को तो उसका अनुभव कर पाएंगे, है ना। मतलब हम कितना सिंसियरली कर रहे हैं उसके अनुसार क्या होगा, हरिनाम पर रिवील करेंगे, जैसे कल बताए प्रभु की आदरात और अनुदिनम, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं आदर से और अनु प्रतिदिन लेना चाहिए भक्तों के संग में, जो गुरु महाराज बताते ना कि ये ऐसे नहीं कि आज ज्यादा लोग नहीं आ रहे, जपाटक में होता है ना ज्यादा नहीं आ रहे, मतलब क्या है आज जब नहीं कर रहे क्या आप, क्या अकेले एकांत में जब कर रहे हो, फिर हम मंगलादि में आए तो क्या हो जाएगा, दिन भर सोलह माला करते रहेंगे हम दिन भर, और वो भी हिस्से नहीं होगा, गंभीरता से नहीं होगा, बात कर रहे इधर उधर, हाथ में जप माला है और बात कर रहे ऐसे हो जाएगा फिर, गुरु महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, एक माता जी थी वो हाथ में जप माला होती थी और हर समय इधर उधर बहुत भागदौड़ होती थी, और पूछते थे उसको कि आप जप कर रहे, हाँ जप कर रहे, तो एक दिन क्या हो गया, किसी मंदिर में आती थी सेवा बहुत करती थी या मंदिर में रहती थी ऐसा कुछ था शायद, और किसी ने क्या कि एक दिन देखा जप माला वो जो झोली होती है ना बीड़ बैग खोल के देखा जप माला ही नहीं थी अंदर, गुरुमान जी बताया, और इसे हम समझ सकते कि हम हमारे जप माला अंदर होगी भी तो भी क्या है, हम जप करना इसलिए कर रहे हमने, है ना, वो नाम नहीं ले रहे फिर, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और कुछ प्रश्न है तो मुझे लगता है यही पे विराम देंगे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।